हे दोस्तों और प्यारे बच्चों, हम में से कई लोग और कई बच्चे ऐसे हैं जो अपने शरीर के बहुत से ऑर्गन्स यानी अंगों के नाम भी नहीं जानते, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप अपने शरीर के सभी अंगों के नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में जानने लग जाएंगे। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको इंसान के शरीर के सभी अंगों के नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा, जिससे आपकी नॉलेज और अवेयरनेस यानी ज्ञान और जागरूकता दोनों बढ़ेगी। ये वीडियो आपके बच्चों को जरूर दिखाएं, जिससे कि वो भी अपने शरीर के अंगों के नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में जान सकें, जिससे उनका ज्ञान बढ़े और वो नॉलेज में बाकी बच्चों से आगे रह सकें। शरीर के सभी अंगों के नाम हिंदी और इंग्लिश में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको आगे भी ऐसी बहुत सी अच्छी लाभदायक जानकारी मिलती रहे। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं शरीर के अंगों के नाम से। आप इस वीडियो को अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, इसलिए मैं शुरुआत आंखों से करता हूँ। ये है आंखें, जिसे इंग्लिश में आइज कहते हैं। शरीर में जो सबसे लंबा अंग है उसे हिंदी में त्वचा या खाल कहते हैं और इंग्लिश में इसे स्किन कहते हैं। इसे हिंदी में नाक कहते हैं और इंग्लिश में नोज कहते हैं। इसे हिंदी में नथुना कहते हैं और इंग्लिश में नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। इसे हिंदी में ठोड़ी कहते हैं और इंग्लिश में चिन कहते हैं। इसे हिंदी में चेहरा कहते हैं और इंग्लिश में फेस कहते हैं। इसे हिंदी में मुंह कहते हैं और इंग्लिश में माउथ कहते हैं। इसे हिंदी में कान कहते हैं और इंग्लिश में ईयर्स कहते हैं। इसे हिंदी में कान पट्टी कहते हैं और इंग्लिश में टेम्पल कहते हैं। इन्हें हिंदी में गाल कहते हैं और इंग्लिश में चीक कहते हैं। इन्हें हिंदी में दांत कहते हैं और इंग्लिश में टीथ कहते हैं। इन्हें हिंदी में पलके कहते हैं और इंग्लिश में आईलिड्स कहते हैं। इन्हें हिंदी में होंठ कहते हैं और इंग्लिश में लिप्स कहते हैं, जिसमें ऊपर के होंठ को अपर लिप कहते हैं और नीचे के होंठ को लोअर लिप कहते हैं। इन्हें हिंदी में मसूड़े कहते हैं और इंग्लिश में गम्स कहते हैं। इसे हिंदी में जीभ कहते हैं और इंग्लिश में टंग कहते हैं। इन्हें हिंदी में बाल कहते हैं और इंग्लिश में हेयर कहते हैं। इसे हिंदी में गला या गर्दन कहते हैं और इंग्लिश में नेक कहते हैं। इसे हिंदी में सिर या माथा कहते हैं और इंग्लिश में हेड कहते हैं। इसे हिंदी में छाती कहते हैं और इंग्लिश में चेस्ट कहते हैं। इसे हिंदी में बगल या काक कहते हैं और इंग्लिश में आर्मपिट कहते हैं। इन्हें हिंदी में बाहें या भुजा कहते हैं और इंग्लिश में आर्म्स कहते हैं। इसे हिंदी में कंधा कहते हैं और इंग्लिश में शोल्डर कहते हैं। इसे हिंदी में कमर कहते हैं और इंग्लिश में वेस्ट कहते हैं। इन्हें हिंदी में कुल्हे कहते हैं और इंग्लिश में हिप्स कहते हैं। इसे हिंदी में जांघ कहते हैं और इंग्लिश में थाइस कहते हैं। इसे हिंदी में पिंडली कहते हैं और इंग्लिश में काफ कहते हैं। इसे हिंदी में घुटने कहते हैं और इंग्लिश में नी कहते हैं। इसे हिंदी में पेट कहते हैं और इंग्लिश में स्टमक कहते हैं। इन्हें हिंदी में पैर कहते हैं और इंग्लिश में लेग्स कहते हैं। इन्हें हिंदी में पैरों के तलवे कहते हैं और इंग्लिश में फुट कहते हैं। इसे हिंदी में टखना कहते हैं और इंग्लिश में एंकल कहते हैं। इसे हिंदी में पीठ कहते हैं और इंग्लिश में बैक कहते हैं। इसे हिंदी में दाढ़ी कहते हैं और इंग्लिश में बियर्ड कहते हैं। इसे हिंदी में मूछ कहते हैं और इंग्लिश में मुस्टैच कहते हैं। इसे हिंदी में पैर का अंगूठा कहते हैं और इंग्लिश में टो कहते हैं। इसे हिंदी में एड़ी कहते हैं और इंग्लिश में हील कहते हैं। इन्हें हिंदी में हाथ कहते हैं और इंग्लिश में हैंड्स कहते हैं। इन्हें हिंदी में उंगलियां कहते हैं और इंग्लिश में फिंगर्स कहते हैं। इन्हें हिंदी में नाखून कहते हैं और इंग्लिश में नेल कहते हैं। इसे हिंदी में हाथ का अंगूठा कहते हैं और इंग्लिश में थंब कहते हैं। इसे हिंदी में हथेली कहते हैं और इंग्लिश में पाम कहते हैं। इसे हिंदी में कोहनी कहते हैं और इंग्लिश में एल्बो कहते हैं। इसे हिंदी में कलाई कहते हैं और इंग्लिश में रिस्ट कहते हैं। इसे हिंदी में मुट्ठी कहते हैं और इंग्लिश में फिस्ट कहते हैं। इसे हिंदी में माथा कहते हैं और इंग्लिश में फोरहेड कहते हैं। इसे हिंदी में खून कहते हैं और इंग्लिश में ब्लड कहते हैं। इसे हिंदी में भौं कहते हैं और इंग्लिश में आईब्रो कहते हैं। इन्हें हिंदी में फेफड़े कहते हैं और इंग्लिश में लंग्स कहते हैं। इसे हिंदी में गुर्दे कहते हैं और इंग्लिश में किडनी कहते हैं। इसे हिंदी में छोटी आंत कहते हैं
और इंग्लिश में स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। इसे हिंदी में बड़ी आंत कहते हैं और इंग्लिश में लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। इसे हिंदी में मस्तिष्क या दिमाग कहते हैं और इंग्लिश में ब्रेन कहते हैं। महिलाओं की छाती को हिंदी में स्तन कहते हैं और इंग्लिश में ब्रेस्ट कहते हैं। इसे हिंदी में नाभि कहते हैं और इंग्लिश में नेवल कहते हैं। इसे हिंदी में दिल या हृदय कहते हैं और इंग्लिश में हार्ट कहते हैं। इसे हिंदी में शरीर कहते हैं और इंग्लिश में बॉडी कहते हैं। इसे हिंदी में कंठ कहते हैं और इंग्लिश में लैरिंग्स कहते हैं। इसे हिंदी में खोपड़ी कहते हैं और इंग्लिश में स्कल कहते हैं। इसे हिंदी में जबड़ा कहते हैं और इंग्लिश में जॉ कहते हैं। इसे हिंदी में जिगर कहते हैं और इंग्लिश में लीवर कहते हैं। इसे हिंदी में जोड़ कहते हैं और इंग्लिश में जॉइंट्स कहते हैं। जिसे हम हिंदी में नस कहते हैं उसे इंग्लिश में नर्व्स कहा जाता है। इसे हिंदी में पंजा कहते हैं और इंग्लिश में पाव कहते हैं। इसे हिंदी में पसली कहते हैं और इंग्लिश में रिब कहते हैं। इसे हिंदी में मांसपेशियां कहते हैं और इंग्लिश में मसल्स कहते हैं। इसे हिंदी में रीड कहते हैं और इंग्लिश में स्पाइन कहते हैं। इसे हिंदी में हड्डी कहते हैं और इंग्लिश में बोन कहते हैं। इसे इंग्लिश में बेली कहते हैं और हिंदी में पेट कहते हैं। इसे हिंदी में अग्नाशय कहते हैं और इंग्लिश में पैनक्रियास कहते हैं। और आखिरी अंग जो है उसे हिंदी में सांस की नली कहते हैं और इंग्लिश में उसे विंड पाइप या ट्रेकिया कहते हैं। तो ये थे शरीर के सभी अंग और उनके नाम हिंदी और इंग्लिश में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और अगर कोई सुझाव है तो कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें और मेरे चैनल संजय मीणा के बाकी वीडियोस जरूर देखें, जिससे आप अपनी नॉलेज और अवेयरनेस यानी ज्ञान और जागरूकता दोनों बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।